इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्किंग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये चीज मैं इस वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन है ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, मतलब आप बहुत सारे कंप्यूटर है जो विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो जुड़ने का कारण क्या है कि पर्पस ऑफ शेयरिंग द रिसोर्स, रिसोर्स को शेयर करें। एक कंप्यूटर क्या करेगा, दूसरे को दूसरे से डाटा लेगा, दूसरा पहले से डाटा लेगा। इस तरह का अगर नेटवर्क रेडी है तो फिर उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के किस तरह से कनेक्ट रह सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पहले तो क्या रहता था, केवल वायर के थ्रू, इथरनेट केबल या कोई और मीडियम के थ्रू, वायर के थ्रू ही कनेक्टेड रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, वायरलेस के थ्रू भी हम कंप्यूटर नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा वायरलेस प्रिंटर है, बहुत सारे मीडिया आ गए हैं कि जिसके थ्रू, वायरलेस के थ्रू आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक से ज्यादा है, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ये कंप्यूटर इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं वायर से कनेक्टेड हुए हैं। तो वायर से कनेक्टेड का एडवांटेज यही है कि डेडिकेटेड एक पाथ बना रहता है, स्पीड शो करता है। लेकिन इसमें अगर वायरलेस थ्रू इस फॉर्म में अगर जुड़ा है, अगर एक भी लिंक यहाँ से अगर कट हो गया तो ये डाटा इसके साथ आइसोलेटेड नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या है, इसके साथ ये वाला रूट कनेक्टेड है तो इसके साथ ये डाटा आपको शेयर कर सकता है। अब देखिए, अब दूसरा क्या होता है, एक नेटवर्किंग होता है। नेटवर्क में मेन नेटवर्क है, मेन नेटवर्क के साथ एक फाइल सर्वर भी है, फाइल सर्वर को कनेक्ट किया है, क्लाइंट है, कस्टमर जो उसको एक्सेस कर रहा है। उसके बाद फिर ईमेल सर्वर है, जहाँ पे बहुत सारे डाटा को रखा जाता है, क्लाइंट एक दूसरा क्लाइंट है, प्रिंटर है, बहुत सारे डिवाइसेस को हम एक इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। या वेब सर्वर, यहाँ पे हम वेब सर्वर से हम डाटा को एक जगह से दूसरे जगह से सर्चिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा आया था। तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क अपरेंट आया था। अपरेंट का कई बार आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो अपरेंट का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का इसका फुल फॉर्म होता है, बस फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या क्या बेनिफिट है। आपने पहले ही देखा कि रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे से को शेयर कर सकते हैं, दूसरे से तीसरों इस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी अनऑथोराइज एक्सेस। अगर आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें अगर हम पासवर्ड सिक्योर कर देंगे तो जो पर्सन उस पासवर्ड को जानता है वही एक्सेस कर पाएगा, दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। ये बेनिफिट होता है एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब आप एक पर्सन है, दूसरा पर्सन आके अगर एक्सेस करना चाहे, अगर उसके पास एक्सेस है तो वो आसानी से एक्सेस कर सकता है, इजिली इंटरकनेक्ट कर सकता है सिस्टम को, और सिस्टम भी आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब होता है इजिली चेंज। अगर सिस्टम में कुछ चेंज करना चाहते हैं नेटवर्क में तो आसानी से चेंज हो जाता है, उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। फ्लो ऑफ डाटा, डाटा आसानी से फ्लो होता है, फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, एक्सेस ऑफ ट्रांसफर, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकता है। हाई परफॉर्मेंस, कम टाइम में बहुत सारा डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह से। उसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए आपका नेटवर्क पूरा कंप्लीटेड था और हुआ ये कि उसमें से एक डिवाइस काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, उस डिवाइस को छोड़ के दूसरे डिवाइस, दूसरा रूट के थ्रू ही उस वहां पे डाटा को ट्रांसफर कर देगा। वो फॉल्ट उसको मालूम चल जाएगा सिस्टम को, इसमें फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को नेग्लेक्ट कर देगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे सेंड करने के लिए नेटवर्क कैपेबल रहता है। कैपेबिलिटी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आसानी से उस सिस्टम में हम डाल सकते हैं। हार्डवेयर को चेंज करना है, रैम रोम अगर चेंज करना है तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रैम रोम या फिर कोई भी डिवाइस में चेंज करना चाहते हैं आसानी से हार्डवेयर चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आप रिमोट में या कैसे भी करके आसानी से चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बड़ा इशू नहीं है। बैकअप, एक और बेनिफिट होता है कि अगर कोई सिस्टम अगर डिलीट हो गया तो उसमें रिसाइकल में होता है, उसे रिसाइकल से हम डाटा को अगेन रिगेन कर लेते हैं और डाटा को हम फिर से यूज कर पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है। नेटवर्किंग डिवाइस में
आपने सुना होगा हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडम, राउटर, रिपीटर, इस तरह के बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस में कुछ अभी हम देखेंगे कि आपने सुना होगा पान, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का रेंज क्या होता है, 10 मीटर तक ही होता है। 10 मीटर तक अगर आपका, अगर मान के चलिए आपका एक लैपटॉप है, लैपटॉप में आप क्या किया है कि वह ब्लूटूथ से हम गाना सुन रहे हैं, या लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ डाटा को, या मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं, या पेन ड्राइव से कनेक्ट किए हुए हैं लैपटॉप, प्रिंटर को कनेक्ट किया, कीबोर्ड से कनेक्टेड है, तो ये सारे क्या है कि एक ही कंप्यूटर से कनेक्टेड है और ये पर्सनल है और आपका ये 10 मीटर के रेंज में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और एक देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं लैंड, LAN। तो यहाँ पे देखिए एक केबल है और लैंड के थ्रू सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते जा रहे हैं, तो कनेक्टेड होते जा रहे हैं, जिसको लैंड बोलेंगे। लैंड का रेंज कितना होता है, 150 मीटर तक होता है। तो ये 150 मीटर ये शुरू करता है कि ये केवल ऑफिस तक ही सीमित है। एक ऑफिस आपका कितना होता है, ऑफिस का बिल्डिंग 100-150 मीटर तक एक रेंज में होता है, अगर सर्कल में देखें जाए लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये काफी सफिशियंट होता है। इसको ऑफिस में यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग में, या किसी कमर्शियल जगह पे यूज किया जाता है। एंड मैन में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन मतलब एक एरिया को कवर करेगा, तो एरिया को कवर करने के लिए मान से क्या हो सकता है, एक एक नेटवर्क हमने तैयार किया है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल को कनेक्ट किया, एक स्कूल को कनेक्ट किया, एक ही स्कूल नहीं, इसमें मल्टीपल स्कूल भी हो सकता है, मल्टीपल हॉस्पिटल भी हो सकता है, कॉलेज, ये यहाँ पे मैं बताने के लिए बताया हूँ कि इतना सारा सिस्टम को कनेक्ट करता है, बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिटी के अंदर जितना भी आपको लगे, अगर आपकी केबल कैपेसिटी इतनी है, तो आप 50 किलोमीटर इसका रेंज इसलिए रखा गया होगा, 50 किलोमीटर से अगर ज्यादा रखेंगे तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी वो डाउन हो जाता है। इसी कारण अगर 50 किलोमीटर के एरिया तक आप रखते हैं तो उसका बेस्ट क्वालिटी आपको मिलता है। और ये क्या करते हैं, विद इन सिटी तक यूज कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब वाइड कर देगा, या तो एक लाइन में दे देगा, जो अभी आपने देखा था लाइन टू लाइन, ये सब मल्टीपल लाइन में करेगा, या फिर मैंने अभी देखा था एक सिटी दूसरे सिटी, बहुत सारे सिटी को एक दूसरे से कनेक्टेड करेगा। सिटी का एक कैपिटल एक राज्य से दूसरे राज्य, कई राज्यों को कनेक्ट करेगा, इसका रेंज कोई फिक्स नहीं रहता। इसका यूज क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को भी कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ पे एक समरी दिखा देते हैं। हम सबसे पहले क्या है, पान है, आप देखे कि यहाँ पे 10 मीटर है, फिर लैन है, लैन 150 मीटर, ये फिर मैन है, मैन वो 150 किलोमीटर करेंगे, देखे तो वहां देखे थे पूरे वर्ल्ड को ये कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये इंडिया है, दूसरे जगह से आपको दूसरा कंट्री कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वन एरिया को, वन नेटवर्क को कनेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह तक हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एडवांटेज क्या है, ओपन टू एवरीवन। अगर कोई बनाना चाहता है नेटवर्क तो आसानी से बना सकता है, फाइल शेयर कर सकता है आसानी से, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के कारण हम नेटवर्क को यूज करते हैं, इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, अगर न्यू डिवाइस उससे नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं हम, बैकअप और स्टोरेज उसका ले सकते हैं। ये सारे बहुत सारे आपके एडवांटेज होते हैं नेटवर्क के, लेकिन ये मेनली एडवांटेज है अगर कोई एग्जाम में आता है। और बेसिक मैं छोटे छोटे पॉइंट लिया हूँ ताकि आपको याद करने में ईजी हो। और हम देखते हैं डिसएडवांटेज, नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड। नेटवर्क अगर ये नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो डिवाइस के बिना नेटवर्क नहीं बनेगा, इसलिए एक एडवांटेज है। वायरस अटैक, वायरस आपको देख ही रहे हैं कि नेटवर्क के अगर उस पर अटैक आ गया तो सारा आपका नेटवर्क का जो सिस्टम है वो काम करना बंद हो जाएगा। ये मेन अभी के टाइम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है नेटवर्क का। रिक्वायर्ड हैंडल, एक आदमी चाहिए जो नेटवर्क को हैंडल करे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए ताकि सारे डिवाइसेस बहुत आसानी से कनेक्टेड रहे। उसके बाद एक सर्वर चाहिए, सर्वर से सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। अगर कोई, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हमने देखा था कि क्या होता है ब्रिज, राउटर, हब, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।